हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 22,000। दोस्तों 22,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनमें से मैं आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहेगा क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर आपको सभी स्मार्टफोन्स में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप गेमर हो, हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, स्मार्टफोन में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए फ्रेंड, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में आपको ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे ना जिसमें आपको पावरफुल चिपसेट, पावरफुल बैटरी, फास्ट चार्जर, साथ ही दोस्तों आपको यहां पर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले, हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट, बेस्ट कैमरा सोनी सेंसर के साथ आने वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रैम और स्टोरेज भी काफ़ी बेस्ट देखने को मिलने वाली है, परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी। 5G स्मार्टफोन्स भी रहेंगे दोस्तों इस लिस्ट में, और दोस्तों 4G स्मार्टफोन भी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं बेस्ट स्मार्टफोन लेना तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अलग अलग प्राइस पॉइंट पे फिक्स प्राइस रेंज में स्मार्टफोन बताता रहता हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था बेस्ट स्मार्टफोन्स 21,000 रुपये, तो फ्रेंड 21,000 में जितने भी बेस्ट स्मार्टफोन्स आते हैं उनको यहाँ पर मैंने बताया था। लेकिन फ्रेंड उस वीडियो में आपको एक दो स्मार्टफोन ऐसे मिले थे जिसमें दोस्तों वीक प्रोसेसर था, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन में इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी स्मार्टफोन आते हैं इनमें आपको तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों प्रोसेसर के मामले में आप बिल्कुल निश्चित होकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फ्रेंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं फिक्स प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन इस चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें ताकि दोस्तों मैं आपके लिए आगे फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूं। तो चलिए फ्रेंड बिना कोई देरी किए हुए सीधे हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम जैसे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और ये जो स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन है दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी बड़ा कैमरा भी देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिलेगा, और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आप काफ़ी हाई लेवल की गेमिंग इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप गेमर है तो दोस्तों गेमिंग वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप ज़रूर से चेकआउट करें। दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल के आता है Xiaomi की तरफ से Mi 10i 5G। इसके फ्रेंड मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों 4820 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 33 वाट का फास्ट चार्जर और टाइप सी का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके मेन परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी। दोस्तों इस स्मार्टफोन के आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, 120Hz का हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट, काफ़ी बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलेगी फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन काफ़ी बेस्ट देखने को मिल रहा है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेस्ट देखने को मिलेगी, 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की पिक्चर्स आप इस स्मार्टफोन से क्लिक कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, और जो दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G है, एक 5G प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, यहाँ पर आपको गेमिंग वाइज कुछ भी इशू देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड, काफ़ी हाई लेवल की गेमिंग इस स्मार्टफोन में कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आप हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट रह सकता है फ्रेंड। इसकी मेन प्राइस की बात करें तो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको 22,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको 24,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप एक गेमर हैं, गेमिंग वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, और आपको चाहिए एक 5G स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट में, अगर आप कैमरा वाइज भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को ज़रूर से चेकआउट करें अगर आपको चाहिए एक बेस्ट स्मार्टफोन। तो दोस्तों अगर आपको और भी अच्छा बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों अभी हमारे लिस्ट में कैसा स्मार्टफोन है जो कि आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है, तो इसलिए फ्रेंड वीडियो पर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड आपको मैं जितने भी स्मार्टफोन बता रहा हूँ इनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और फ्रेंड जो स्मार्टफोन डिस्काउंट में है उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा।
फ्रेंड, अब हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, ये स्मार्टफोन काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है, 5G प्रोसेसर है फ्रेंड इसमें, और इस स्मार्टफोन में आप काफ़ी हाई लेवल की गेमिंग इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड, मैक्सिमम वाट का आपको इसमें फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का कैमरा, और दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपको कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये स्मार्टफोन निकल के आता है रियलमी की तरफ से, Realme X7 5G। इस स्मार्टफोन के मेन स्पेक की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको 60Hz का रेफ्रिजरेट सपोर्ट। दोस्तों, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रेंड, इसमें आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाता है। 4310 mAh की बैटरी, और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 50W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पर, तो आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का पावरफुल 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है फ्रेंड। और फ्रेंड, यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही रेफ्रिजरेट सपोर्ट। दोस्तों, कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेस्ट रहेगी बैक साइड की, और दोस्तों यहाँ पर आपको 50W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड, जो डायमेंसिटी 800U है, एक 5G प्रोसेसर है, यहाँ पर आप हाई लेवल की गेमिंग आसानी से कर पाएंगे फ्रेंड इसमें, हाई ग्राफिक्स में, और आपको लेग इशू कुछ भी ज़्यादा, फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलेंगे। और फ्रेंड, यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों गेमिंग के दौरान ये स्मार्टफोन ज़्यादा हीट भी नहीं करेगा। दोस्तों, इसकी मेन प्राइस की बात करें, तो जो 6GB RAM 128GB वाला वेरिएंट है, आपको 20,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाता है, और 8GB RAM 128GB वाला वेरिएंट आपको 21,990 रुपये में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की भी प्राइस ऑफर और सेल के दौरान कम हो जाती है। दोस्तों, ये आपको 18,000 रुपये की कीमत में भी देखने को मिल जाता है, 6GB RAM वाला वेरिएंट। तो दोस्तों, जब भी इस स्मार्टफोन को आप लेने का सोचें, तो इसकी भी प्राइस आप ज़रूर से चेकआउट कर लें। अगर दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन ठीक ठाक ना लगा हो, तो वीडियो पर बने रहे, आपके लिए और भी बहुत सारे बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अब नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड, अब हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक नॉन चाइनीज़ ब्रांड है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गेमिंग चिपसेट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, साथ ही दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये स्मार्टफोन निकल कर आता है सैमसंग की तरफ से, Samsung Galaxy M42 5G। दोस्तों, अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं 5G स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो इसके सबसे पहले तो हम मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपको 6.6 इंच का HD प्लस सुपर AMOLED U का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बिग बैटरी, इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। इसके मेन प्रोसेसर की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम Snapdragon 750G का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, मेन इसके दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 1TB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 8GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज। एक आपको यहाँ पर माइनस पॉइंट देखने को मिल सकता है, इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा है, यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का बेस्ट क्वालिटी दे देगा। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस इस कैमरे में आपको देखने को मिल जाएंगे, सेल्फी कैमरा काफ़ी बेस्ट है। और दोस्तों, बैटरी बैकअप आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगी, और फास्ट चार्जर भी काफ़ी बढ़िया आपको सर्विस दे देगा। दोस्तों, मेन इसके प्रोसेसर की बात करें, तो जो क्वालकॉम Snapdragon 750G है, एक पावरफुल प्रोसेसर है, जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, 5G प्रोसेसर है, काफ़ी हाई ग्राफिक्स की गेमिंग इस स्मार्टफोन में आप कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, काफ़ी फास्ट और पावरफुल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आपको गेमिंग रिलेटेड कुछ भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, आपको लैग इशू भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसकी मेन प्राइस की बात कर लेते हैं हम, तो जो 6GB RAM 128GB वाला वेरिएंट है, ये आपको देखने को मिलेगा 21,999 रुपये में, यानी कि आपको 22,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में देखने को मिलेगा। 8GB RAM 128GB वाला वेरिएंट आपको 24,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपने बजट के अनुसार इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सैमसंग का ब्रांड पसंद है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये स्मार्टफोन ठीक ठाक ना लगा हो, कुछ इसमें कमी रह गई, तो दोस्तों अभी हमारे लिस्ट में एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि बेहतरीन कैमरा और बेहतरीन प्रोसेसर के साथ आता है। तो इसलिए फ्रेंड, वीडियो पर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं।
फ्रेंड, अब हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट, डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे फीचर्स इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें आपको कैमरा भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में, काफ़ी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी बैकअप भी काफ़ी बेस्ट और काफ़ी पावरफुल गेमिंग परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, इसके वेरियंट भी बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन निकल के आता है शाओमी की तरफ से, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है। दोस्तों, ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है, कुछ ही महीने पहले ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड, इसकी मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही फ्रेंड, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिलता है। कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन एचडीआर 10 देखने को मिल जाता है। फ्रेंड, इसकी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है बैक साइड में, जिसमें फ्रेंड 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी कैमरे की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। साथ ही फ्रेंड, इसकी बैटरी की बात करें तो 5020 मिली एमपीआर की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जर। इसके मेन परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। फ्रेंड, इस स्मार्टफोन के आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जो है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे, और जो दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है फ्रेंड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है, साथ ही हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारे स्पेक्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों, जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा एक सोनी सेंसर के साथ आता है फ्रेंड, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन कैमरा क्वालिटी के लेकर काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, और इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी बेस्ट है। और फ्रेंड, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G एक पावरफुल प्रोसेसर है, लैग फ्री प्रोसेसर है, इस स्मार्टफोन में आपको लैग इशू नहीं देखने को मिलेगा, आप लैग फ्री गेमिंग कर पाएंगे, लैग फ्री परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आप काफ़ी हाई ग्राफिक की गेमिंग भी कर पाएंगे। और दोस्तों, इसमें आपको स्क्रीन स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जो कि 120 हर्ट्ज का हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की मेन प्राइस की बात करें तो 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 19,999 में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 20,000 की प्राइस में, और 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, ये 21,999 की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आप अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन को बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको चाहिए एक बेस्ट क्वालिटी वाली डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा और बेस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, Redmi की ये काफ़ी सक्सेसफुल सीरीज़ है फ्रेंड, Redmi Note 10 सीरीज़, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को आप जरूर से बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड, अब हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, ये एक नॉन चाइनीज डिवाइस है दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया ये स्मार्टफोन है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन में, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का कैमरा और काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये स्मार्टफोन निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A51। इसमें फ्रेंड 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इसमें आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और दोस्तों 4000 मिली एमपीआर की बैटरी, 15 वाट का फास्ट चार्जर। इसके मेन प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सिनोस 9611 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड रन करता है और 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की, और दोस्तों काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा भी काफ़ी बेस्ट है फ्रेंड, 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी बेस्ट है। इसके मेन प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, आप हाई ग्राफिक्स में गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हाई लेवल की रहने वाली है। फ्रेंड, इसकी मेन प्राइस की बात करें तो 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस है 21,000 रुपये, और जो दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस है 22,499 रुपये। और दोस्तों, आप अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन को बाई कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए एक बेस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले, काफ़ी बढ़िया कैमरा और काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर, तो इस स्मार्टफोन को बाई कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड आपके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन्स। अभी भी आपको स्मार्टफोन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है फ्रेंड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और स्मार्टफोन्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड, मिलता होगा अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।